हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। जो आप व्यू मैट्रिक्स है उसके आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे चूंकि सवाल है, पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। और एक चीज बता के रखी है कि एक्स आप व्यू, वाई आप व्यू, जेड की, डब्ल्यू की और पी आप व्यू की कोटि जे निम्नलिखित हैं। अब हम देखते हैं तो पूछा क्या गया है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो है ये परिभाषित होगा, मतलब एक आव्यूह के रूप में इसका मान निकलेगा। कब निकलेगा? जब k का मान 3 हो, p का मान n हो जाए, या फिर k कुछ भी हो जाए, स्वेच्छ चर रहे, बस p का मान 2 हो जाए, या फिर 2, 3 हो जाए k p के मान, या p स्वेच्छ हो जाए k 3 हो जाए। क्या उत्तर होगा हम देख लेते हैं। तो सवाल है आपके पास पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है ना। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि p की आपके पास यहाँ पे दी गई है p की कोटि p गुणित k, और जबकि यहाँ पे y की कितनी दी गई है, 3 गुणित k है, तो 3 गुणित 3 yk है। और w की यदि हम देखें तो ny3 है, और y की देखें तो 3 yk है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक चीज, सबसे पहले आपको गुणा का नियम पता होना चाहिए कि गुणा जो है दो आव्यूहों का कब हो सकता है, जब एक की पंक्ति और एक के स्तंभों की संख्या बिल्कुल कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब पहले आव्यूह की जो है यहाँ पे स्तंभों की संख्या, दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बिल्कुल यदि बराबर है, मतलब यदि कोटि में देखें तो लास्ट का अंक पहले के अंक से ही यदि बिल्कुल बराबर हो जाता है, तो ही उन आव्यूह का गुणा हो सकता है। और उनका रिजल्ट आता है जो वो पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभों की संख्या के बराबर आता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि P की जब कोटि J है और Y की कोटि J है, और दोनों का जब गुणा हुआ होगा तो गुणा करने के लिए K और 3 तो बराबर हुए होंगे। K और 3 बराबर हुए होंगे, मतलब हम कह सकते हैं K बराबर कितना हुआ होगा, 3। K बराबर 3 हुआ होगा, और रिजल्ट जो आया होगा वो P गुणित K में आया होगा, क्योंकि के बराबर 3, यहाँ पे हम यही बता रहे हैं कि 3 और 3 यहाँ पे जे बिल्कुल बराबर थे, तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो 2 by 2 में आता है। तो यहाँ पे जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो पी वाई के में आएगा, और यहाँ पे 3 3 बराबर हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा एन वाई के रूप में आएगा, ठीक है ना, एन वाई के रूप में। अब चूंकि हमें दोनों आव्यूहों को क्या करना है, प्लस करना है, और जब भी आप दो आव्यूह को जोड़ते हैं तो याद रखिए कि उनकी कोटि कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मतलब जितनी पंक्ति पहले आव्यूह में है उतनी दूसरे में होनी चाहिए, जितनी उसमें पंक्तियां हैं उतनी पंक्तियां होनी चाहिए, स्तंभ स्तंभ के बराबर होना चाहिए, मतलब पी जो है एन के बराबर होना चाहिए, पी एन के बराबर होना चाहिए और के बराबर होना चाहिए। तो पी एन के बराबर होना चाहिए, और के का मान तो अब 3 मिल गया है, के का मान 3 होना चाहिए और पी का मान जो है एन के बराबर होना चाहिए। जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, के का मान 3 होना चाहिए और पी का मान एन के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सेकंड, देख लेते हैं क्या बताया गया। सेकंड में बता रहे हैं कि यदि एन का मान पी के इक्वल हो गया है तो 7x-5z जो आव्यूह बन रहा है उसकी कोटि क्या होगी। मतलब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। 7x-5z यहाँ पे जो रिजल्ट वाला आव्यूह होगा उस आव्यूह की कोटि क्या होगी, उनने ये पूछा है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप जोड़ें या चाहे हम घटाना करें, लेकिन कोटि एक सी होनी चाहिए आव्यूह की, तब जोड़ना घटाना हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ है एक्स की जो कोटि है, क्वेश्चन में बताई गई थी कि 2yn की है, जबकि जेड की कोटि क्या है, 2yp की है। अब इन दोनों आव्यूहों को यदि आपको घटाना चाहते हो तो दोनों आव्यूहों की कोटियां कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, मतलब 2 2 के बराबर होना चाहिए, और एन पी के बराबर होना चाहिए। तो एन पी के बराबर होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है तभी हो सकता है घटाना। और घटाने में जो रिजल्ट आएगा, पंक्तियों की संख्या बिल्कुल वही रहेगी, 2 ही रहेगी।
अब देख लेते हैं स्तंभों की संख्या। यहाँ पे एन थी, यहाँ पे पी थी, और एन और पी यहाँ दोनों बिल्कुल हमने बताया बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 बाई पी कह सकते हो या 2 बाई एन कह सकते हो। 2 बाई एन सही उत्तर होगा या 2 बाई पी सही उत्तर होगा, लेकिन उल्टा नहीं कह सकते कि p/2 नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हम कहेंगे कि 2 बाई पी है ऑप्शन में, नहीं है। 2 बाई एन यदि ऑप्शन में है तो 2 बाई एन बिल्कुल आपके ऑप्शन में है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा 2 बाई एन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो समान कोटि के सम्मितावयव हैं। अब सम्मितावयव की आपको विशेषता पता होनी चाहिए। सम्मितावयव हैं मतलब ए भी सम्मितावयव है तो ए का डैश जो है वो ए के बराबर होगा, और बी भी सम्मितावयव है तो बी का डैश बी के बराबर होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए सम्मितावयव की। अब आपको बताना कि ए बी माइनस बी ए क्या विषम सम्मितावयव होगा या सम्मितावयव होगा या शून्यावयव या तत्समक अवयव होगा। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम करना चाहते हैं ए बी माइनस बी ए का होल डैश। जैसे हमने निकाला ए बी माइनस बी ए का होल डैश निकाला, जब होल डैश निकालते हैं तो हम अलग अलग डैश लिख सकते हैं, ए बी का अलग डैश लिखा, बी ए का अलग डैश लिखा। लेकिन जब इंटू में होता है तो इंटू में आप याद रखेंगे, जब इंटू वाला डैश होता है तो पीछे वाली संख्या का डैश पहले लिखना होता है, आगे वाली संख्या का डैश बाद में, पीछे वाली संख्या का डैश पहले, आगे वाली संख्या का डैश बाद में। अब आपको पता है बी डैश बराबर बी है और ए डैश बराबर ए है, ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। तो बी ए माइनस ए बी आ गया है, माइनस चिन्ह हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन लिया तो बी ए माइनस का हो जाएगा, ए बी प्लस का हो जाएगा। ये इसलिए किया क्योंकि आपको पता है ए बी माइनस बी ए का होल डैश ए बी माइनस बी ए के बिल्कुल इक्वल तो आया है, लेकिन माइनस चिन्ह का डिफरेंस है, माइनस चिन्ह का यदि डिफरेंस है तो वो होता है विषम सम्मितावयव होता है। यदि बिल्कुल बराबर आ जाता है, ए डैश बराबर ए जैसे बी डैश बराबर बी, इसके बराबर जे आ जाता, प्लस आता यदि यहाँ पे तो हम कहते सम्मितावयव है। 0 के बराबर आता तो हम कह देते यहाँ पे क्या जो है शून्यावयव है, यदि 1 आ जाता तो कह देते तत्समक अवयव है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषम सम्मितावयव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन बताया गया, ए बराबर एक अवयव बताया गया है, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का मान क्या होगा। दिया गया है ए प्लस ए डैश बराबर आई, मतलब ए अवयव हमने यहाँ पे रखा है, ए डैश यहाँ पे रखा है। ए डैश मतलब पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाता, कॉस साइन लिखा है इस टाइप से हमने लिखा, कॉस साइन माइनस साइन कॉस लिखा उसको हमने इस टाइप से, मतलब पंक्तियों स्तंभों को बदल देने से बन जाता है ए डैश। तो जे ए लिखा, जे ए डैश लिखा बराबर आई, आई तत्समक का भी होता है, और यहाँ 2/2 कोटि का, यहाँ 2/2 कोटि का, इसलिए यहाँ भी हमने 2/2 कोटि का लिखा है। अब यहाँ पे 1 0 0 1 लिख लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस में कॉस जोड़ा जाएगा, 2 कॉस साइन में साइन जोड़ेंगे, प्लस माइनस के कट जाएंगे, साइन साइन फिर कट जाएंगे, कॉस कॉस 2 कॉस, और यहाँ पे जैसे ही दोनों पक्षों की तुलना करेंगे 2 cos बराबर आएगा 1, 1 आएगा, मतलब y2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और फिर आपको पता है cos अल्फा बराबर 1/2 जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, और 60 डिग्री मतलब अल्फा का मान जो होगा 60 अंश होगा, 60 अंश को आप क्या कह सकते हैं, π/3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला पांचवा क्वेश्चन बता रहे हैं कि अवयव ए और बी जो हैं एक दूसरे के व्यतिक्रम होने चाहिए कब हो सकते हैं, जब कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ भी आप याद रखेंगे ए का व्यतिक्रम बी होगा, बी का व्यतिक्रम ए होगा, तब ऐसा कौन सा कंडीशन यहाँ पे लागू होना चाहिए, ये चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, जो ऑप्शन जो है वो ए बी बराबर बी ए, ए बी का मान जब शून्यावयव आ जाए, बी ए का आई वाला अवयव आ जाए तत्समक अवयव, ए बी बी ए का मान शून्यावयव आ जाए, ए बी बी ए का मान आई वाला अवयव आ जाए तत्समक। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यदि ए बी और बी ए, ए और बी का गुणनफल, या फिर हम कहें बी और ए का गुणनफल यदि तत्समक अवयव के बराबर हो जाता है तो ही उनके लिए हम एक दूसरे का व्यतिक्रम कह सकते हैं। जैसे आपको पता होगा 2/3, 3/2 का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है, चाहे आप उल्टा भी कर दो 3/2, 2/3 तो भी गुणनफल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब इसका उल्टा जे है या इसका उल्टा जे है, मतलब इसका व्यतिक्रम जे होगा, इसका व्यतिक्रम जे होगा, तो तभी आप कह सकते हैं, मतलब ए बी और बी ए का यदि गुणनफल आई के इक्वल दोनों का आता है तब ही कहा जाएगा कि ए और बी एक दूसरे के व्यतिक्रम होंगे। अगला क्वेश्चन छठवा देख लेते हैं, एक अवयव ए बता रहे हैं और
ए वर्ग का मान आई के बराबर है, तो बताना है इनमें से चार कंडीशन में से कौन सी कंडीशन फॉलो होगी। ए वर्ग का मान आई, ए वर्ग का मतलब ए वाले अभ्यू को डबल वा लिखेंगे, बराबर आई हमने रखा, आई मतलब 2 बाई 2 कोटि का एक तत्समक अभ्यू जो रखा है। अब इन दोनों अभ्यू का गुणा करेंगे, अल्फा का अल्फा से अल्फा वर्ग हो जाएगा, फिर बीटा का गामा से हो जाएगा, तो यहाँ बीटा गामा, और फिर अल्फा का बीटा से करेंगे अल्फा बीटा, बीटा का अल्फा से करेंगे बीटा अल्फा, और यहाँ गामा का अल्फा से करेंगे गामा अल्फा, अल्फा का गामा से किया, अल्फा का बीटा से किया, अल्फा का अल्फा से अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ जे तो आपस में कट गए, जे कट जाएंगे, जे भी कट जाएंगे। अब आप तुलना करेंगे तो इसकी तुलना 1 से होगी, और 1 से जब हमने तुलना की तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा वर्ग उस तरफ, बीटा अल्फा भी उस तरफ हो गए, मतलब आपके पास एक इक्वेशन निकल के आ गई कि 1 माइनस अल्फा वर्ग माइनस अल्फा बीटा। तो 1 माइनस अल्फा वर्ग माइनस अल्फा बीटा मतलब आपके पास तीसरा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक अभ्यू है, और ये अभ्यू क्या है, सममित और विषम सममित दोनों है, सममित भी है विषम सममित भी है, तो क्या होना चाहिए। जो अभ्यू है विकर्ण अभ्यू होगा, वर्ग अभ्यू शून्य अभ्यू होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं ए क्या है, सममित है विषम सममित है, मतलब ए डैश ए के बराबर है तो सममित हो गया, और माइनस ए के बराबर है तो विषम सममित हो गया। तो अब हम देखते हैं समीकरण एक, समीकरण दो, हम कह सकते हैं इस ए डैश की जगह पे ए रखा जाए, माइनस का ए लिखा, माइनस ए इस तरफ आएगा, प्लस के 2a बन गए, और 2 अलग हो गए, तो ए का मान क्या आ गया, 0, और ए का 0 आ गया, मतलब ये क्या होना चाहिए, एक शून्यावयव होना चाहिए। तो ए एक शून्यावयव है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बता रहे हैं कि एक अवयव है वर्ग अवयव है, ए वर्ग का मान बिल्कुल एक इक्वल हो जाता है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा इन चार ऑप्शन से। तो यहाँ पे देखिए आई प्लस ए का होल घन, घन करना होगा सबसे पहले, ए घन प्लस बी घन 3a वर्ग, बी 3ab वर्ग वाला फार्मूला लगाना 7a जाके था, और आई घन, आई आप ध्यान रखेंगे आई तत्समक अभ्यू होता है, उस पर कितने की भी पावर लगा दो लेकिन उसका मान आई होता है, इसलिए आई वर्ग का मान भी आई रखा है। और फिर यदि हम बात करें ए घन, यहाँ पे ए वर्ग का मान ए है, ए घन का मान यदि हम देखें तो ए वर्ग इंटू ए लिख सकते हैं, और ए वर्ग का मान ए है तो ए इंटू ए वर्ग बन जाएगा, और ए वर्ग का मान फिर ए है, मतलब ए घन का मान भी क्या हो जाएगा, ए। और 3 लिखा हमने, आई वर्ग को आई लिखा है, ए लिखा है, 3 लिखा है, आई को आई लिखा है, और ए वर्ग को ए लिखा है, जाकेता लिखे हैं। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आई जो है तत्समक अवयव है, किसी के साथ भी यदि गुणा होता है तो वो अवयव खुद आ जाता है, आई अलग हो जाता है, आई का ए से गुणा करेंगे तो ए आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि 3 और 3 6a और 1 7a, और जे 7a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि -7a प्लस के 7a है, आई अकेला बचेगा, आई आंसर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आईसी नंबर का। अगला देख लेते हैं। अगले दो बहुत महत्वपूर्ण विकल्प हैं कि ए सममित अवयव कब होता है, जब ए डैश का मान ए हो जाता है, और विषम सममित अवयव कब होता है, जब ए डैश का मान -1 इक्वल हो जाता है। इस प्रकार से आपने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव समझे हैं चैप्टर 3 के लिए। हमारे ऑब्जेक्ट कैसे लगे आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।